हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्रिएटिव मोशन इंस्टा रील्स बना सकते हैं अपने सिंपल टाइम लैप्स से, जो आप अपने कैमरा से टाइम लैप्स शूट करते हैं या आप अपने मोबाइल से भी अगर आप टाइम लैप्स शूट करते हैं तो आप उनमें मोशन कैसे दे सकते हैं या मूवमेंट कैसे दे सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर डालने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने स्पिति के टाइम लैप्स मोशन इंस्टाग्राम रील पर डाले थे एंड सम पीपल डीएम मी एंड आस्क मी कि आपने ये कैसे एडिट किया, वी वांट टू नो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले मेरा नॉर्मल टाइम लैप्स जो मैंने शूट किया था। This was my normal time lapse जो मैंने अपने कैमरा से शूट किया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे इसमें मोशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम खोलेंगे Adobe Premiere। आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं Adobe Premiere का। जब आप वहां पे जाएं तो वहां से आप न्यू प्रोजेक्ट आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप दबा सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट एन, एंड इससे आपका न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूं। तो मैंने उसको नाम दिया है YouTube Instagram Reel। अब आप देखेंगे तो आपका जो प्रीमियर पे जो प्रोजेक्ट खुलेगा वो ऐसे खुलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रेशियो में बनाना है। एज वी नो के Instagram Reels जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में आती है, आपके पास दो वर्टिकल फॉर्मेट होते हैं, एक होता है आपका 16:9 और एक होता है आपका 4:5। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस रेशियो पे बनाना है Instagram Reel। 16:9 का फायदा ये है कि जब भी आप अपनी Instagram Reel आप अपनी स्टोरी पे शेयर करेंगे तो वो पूरे जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है उसको कवर करेगी, एंड 4:5 का ये है कि आपको ऊपर नीचे हल्का हल्का सा क्रॉप दिखेगा उसमें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा रेशियो यूज करना चाहते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 16:9 रेशियो में एडिट करके दिखाऊंगा। नाउ आई विल गो टू द 16:9। तो 16:9 वाली फोटोग्राफ को मैं ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके मैं ले जाऊंगा अपने Adobe Premiere के ऊपर। अब इसके ऊपर मुझे डालनी है अपनी वो वीडियो। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अपना चंद्रदास वाला टाइम लैप्स यूज करूंगा। तो मैं इसको ड्रैग करूंगा अपने Adobe Premiere के जो मेरी प्रोजेक्ट फाइल है उसके ऊपर मैं इसको ड्रैग करूंगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 16:9 का जो मेरा फ्रेम था और कैनवस है वो बड़ा है मेरे हॉरिजॉन्टली जो मैंने वीडियो शूट करी है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सारी की सारी जो टाइम लैप्सेस हैं जो आप जिनको आपको मूवमेंट देनी है या मोशन देनी है वो आप सारी की सारी हॉरिजॉन्टली ही शूट करेंगे, आप वर्टिकल शूट नहीं करेंगे। यस आई नो आप वर्टिकली उसको पोस्ट करेंगे लेकिन आपको क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट देनी है तो आपको वो हॉरिजॉन्टली ही शूट करना होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको अनलिंक करके मैं वीडियो ऑडियो फाइल को डिलीट मार दूं। अब ऑलरेडी जो मेरा कैनवस है वो 16:9 का बन चुका है तो मैं इसको अब ड्रैग करके नीचे की तरफ ला सकता हूँ। तो ये 16:9 में ही रहेगी मेरी फाइल। नाउ मेरी जो वीडियो फाइल है जो मेरा टाइम लैप्स है वो सिलेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे जाएं एडिट इफेक्ट कंट्रोल के अंदर तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले स्केलिंग। तो सबसे पहले मेरे को इसको बड़ा करना है और मेरे को इसको बिल्कुल उतना करना है जितना मेरा 16:9 का फ्रेम है। मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा ताकि आई कैन सी द डिटेल्स। Yes, I think somewhere it's fine. So this is my time lapse. अगर मैं इसको normally चलाऊं तो आप देखेंगे वर्टिकली ये सिर्फ time lapse दिख रहा है, which I don't want. तो इसको movement देने के लिए first of all मैं इसको बिल्कुल left की तरफ लेके जाऊंगा। आप position पे जाएंगे, position से आप इसको drag कर सकते हैं। तो मैं इसको left की तरफ इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि मेरी जो अगर आप देखें अगर मैं आपको time lapse चला के दिखाऊं ये वाला तो मेरी जो light है आपने ये light देखी आपको जो shadows दिख रही है जो right से left की तरफ canvas जा रहा है तो obviously मैं इसका movement right से left की तरफ दूंगा। अगर ये left to right जा रहा होता तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट देता वरना ये सिंक नहीं कर पाएगा अच्छी तरह। अगर आपके शॉट के अंदर कोई भी ऐसी शेडोज नहीं है जो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जा रही है तो आप कुछ भी इसको मूवमेंट दे सकते हैं। आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट दे सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट यहाँ पे क्योंकि मेरी शेडो जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है तो मैं इसमें राइट टू लेफ्ट की मूवमेंट दूंगा। तो मैं सबसे पहले इसको लेके जाऊंगा एंड की तरफ बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड। सो या दिस इज फाइन। अब नाउ वन मोर थिंग व्हिच यू हैव टू बी ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी इंस्टाग्राम रील का जो टाइमलाइन है वो होता है 15 सेकंड और आप देखेंगे तो मेरा टाइम लैप्स जो है वो 18 सेकंड का है तो मैं इसको क्रॉप कर दूंगा 15 सेकंड पे बिकॉज आई जस्ट वांट 15 सेकंड का टाइम लैप्स। नाउ इट्स फाइन इफ यू सी। सो इट्स 15 सेकंड का टाइम लैप्स है मेरे पास अब। नाउ अब मैं इसको स्टार्टिंग से मूवमेंट नहीं दूंगा, मैं पहले वेट करूंगा कि जब मेरी शेडोज चलनी शुरू हो। तो अभी मेरे फ्रेम के अंदर शेडोज नहीं आई एंड नाउ द शेडोज हैज कम एंड अब जब ये मूव होना शुरू होंगी एंड Yes, now it's started. तो मैं यहाँ से इसके अंदर मूवमेंट मुझे देनी है। सो वॉट आई विल डू मैं अपनी वीडियो फाइल को सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे पोजिशन वाली जगह पे जाऊंगा और ये जो आपको एक टॉगल एनिमेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना फीचर आपको उसको क्लिक करना है। सो नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक की फ्रेम यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इसको आगे बिल्कुल एंड की तरफ ले जाऊंगा। बिल्कुल एंड में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नीचे वाला एरो दबाना है और वो आपकी वीडियो टाइमलाइन की बिल्कुल लास्ट वाली सेकंड पे पहुंच जाएगा। एंड बिल्कुल लास्ट में ले जाने के बाद आई विल प्रेस वन टाइम लेफ्ट एरो वाला जो मेरा ऑप्शन है, या आप अगर आप देखें तो आप 15 सेकंड की जगह पे 14.5 सेकंड पे आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं अपनी पोजिशन को बिल्कुल राइट की तरफ कर दूंगा। तो आप देखें तो मैं पोजिशन को हिला रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लेफ्ट पे लेना है।
यस नाउ इट्स फाइन। सो नाउ व्हेन आई प्ले दिस तो आपको दिखेगा जैसी वो शेडोज आएंगी, जब वो लाइट होगी आपका जो फ्रेम है वो हिलना शुरू हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज लुकिंग बेटर देन द एक्चुअल फ्रेम। तो इस तरह आप अपने नॉर्मल टाइम लैप्सेस के अंदर मूवमेंट या मोशन दे सकते हैं एडोबी प्रीमियर के थ्रू। ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग कि इंस्टाग्राम रील का मैक्सिमम टाइम जो है वो 15 सेकंड है और आपको सारे के सारे टाइम लैप्सेस हॉरिजॉन्टली ही शूट करने हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू फॉलो माई फोटोग्राफी जर्नी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे एट होम एंड बी सेफ।